विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई नगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट बीटेक प्रोग्राम के लिए मशीन ड्राइंग से नकल ज्वाइंट और पिन ज्वाइंट है। आज हम पिन ज्वाइंट या नकल ज्वाइंट के बारे में विस्तृत से बात करेंगे, साथ ही इसके असेंबल्ड ड्राइंग को कैसे बनाते हैं उसको भी देखेंगे। विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग या मशीन ड्राइंग पावर पॉइंट से बनाकर उसके बाद वीडियो बनाया जाता है। पावर पॉइंट से छोटे लाइन या कर्व सही नहीं बन पाते तथा पूरी ड्राइंग अप्रोक्सीमेट साइज का बनता है। अतः छात्रों को सलाह दी जाती है कि इस वीडियो को रेफरेंस के लिए उपयोग करें तथा परीक्षा हेतु अपनी नोटबुक और कॉलेज के टीचर के द्वारा गाइड की हुई बुक से ही पढ़ें। नकल ज्वाइंट और पिन ज्वाइंट। नकल ज्वाइंट जनरली यूज टू कनेक्ट रॉड नॉट पोजिशन इन स्ट्रेट लाइन एंड सब्जेक्ट टू एक्सियल टेंसाइल लोड। यह ज्वाइंट रिजिड ज्वाइंट नहीं होता है। यह सपोर्ट को कंप्रेसिव लोड जहां पर हो वहां यूज होता है, क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन में होता है। इस तरह का जो ज्वाइंट है वो डी स्लाइड वॉल, इसेंट्रिक रॉड ऑफ स्टीम इंजिन, एयर ब्रेक ऑफ लोकोमोटिव, लीवर एंड कनेक्टिंग रॉड डिफरेंट टाइप के वहां यूज होते हैं, टाई रॉड में होते हैं, लिंक चैन सस्पेंशन में यूज होते हैं, और इस तरह का जहां भी कपल करने के लिए हो बट एक स्ट्रेट लाइन में दो रॉड को कनेक्ट करने हो वहां पर इनका यूज होता है। नकल ज्वाइंट में ये आई एंड है, ये फॉर्क एंड। देखिए फॉर्क एंड ये इस तरह का होता है और आई एंड ये इस तरह का होता है। इस आई एंड को इसके अंदर इंसर्ट करके इस फॉर्क के अंदर और इस पिन को नीचे से इधर डालते हैं, ऊपर से वॉशर या कॉलर लगा देते हैं और इसका होल, देखिए ये होल और ये होल और ये पिन का होल, इसको मैच कराते हुए इस पिन को अंदर डालते हैं। यह पिन एक साइड से 1:30 का टेपर होता है जो इजली घुस जाए और जरूरत पड़ने पर हम निकाल सकें। इस ज्वाइंट में देखिए ये पिन में यह फॉर्क आगे पीछे इस डायरेक्शन में या आई एंड इस डायरेक्शन में रोटेट होता है और यह एक एक्सिस में होता है। यह देखिए फॉर्क एंड है और ये आई एंड है, ये पिन का ज्वाइंट है, इसका एक टिपर पिन है, ये कॉलर है, इसका ये टॉप व्यू है। इसके पूरे डायमेंशन को डी के रिस्पेक्ट में किस तरह से हम पढ़ेंगे या किस तरह से याद रखेंगे ये यहाँ पर मैंने डाटा देने की कोशिश किया है। आइए अब हम एक असेंबली ड्राइंग बनाएं। इस नकल ज्वाइंट के डिसअसेंबल या डिटेल पार्ट को असेंबल किस तरह से करते हैं ये इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन, फिगर शोज द पार्ट ऑफ नकल ज्वाइंट, असेंबल द पार्ट करेक्टली एंड देन ड्रॉ द फ्रंट व्यू शोइंग अपर हाफ इन सेक्शन यूजिंग द स्केल 1:2, प्रिंट द टाइटल एंड स्केल यू गिव 6 इंपॉर्टेंट डायमेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेफरेंस लाइन लेते हैं, देन सेंटर लाइन के लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम इसमें फॉर्क एंड, ये देखिए फॉर्क एंड को हम ड्रॉ करते हैं, ये देखिए ये वाला जो फॉर्क एंड है इसको ड्रॉ करते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह आई एंड इसमें इंसर्ट होगा, उसके बाद इसका अपर हाफ यानी इस एक्सिस के ऊपर का चीज सेक्शनिंग होगा, इसको ध्यान में रखते हुए हम ड्रॉ करते जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फॉर्क एंड ड्रॉ कर लिया। अब इसमें
ये आई एंड डाल दिए हैं और यह पिन किस तरह से इसमें लोकेट होगा इसको हम ड्रा कर रहे हैं। देखिए पिन हमने डाल दिया, अब ये आई एंड को पूरा कंप्लीट करते हैं। इसके बाद इस पिन में जो ऊपर कॉलर, कॉलर के अंदर वो जो पिन इंसर्ट किया गया है इसको हम ड्रा कर देते हैं। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कॉलर है, उसमें ये पिन इंसर्ट किया हुआ है। यह डैश डैश इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पिन का या रिविट का या नट का बोल्ट का सेक्शनिंग नहीं होता, इसलिए हम यह एज्यूम कर रहे हैं कि ये इसके अंदर है, इसलिए इसकी किया है। नट बोल्ट वाशर स्नग इन सब का सेक्शनिंग नहीं होता है क्योंकि यह मशीन पार्ट्स फास्टनर्स हैं। ये देखिए इसका जो एंड है आई या फॉर्क एंड या आई एंड का वो एक ऑक्टागन शेप में होता है। ये देखिए ये इस तरह का शेप में रहता है। इसको ड्रा करने का तरीका ये होता है कि ये जो है ऑक्टागन शेप में है। ये देखिए इसके ड्रा करने के लिए ये देखिए ये इस तरह से हम ड्रा कर देते हैं, यहाँ से सेंटर लेके, यहाँ से सेंटर लेके, यहाँ से इसको काट के, यहाँ से करने से ये ऑक्टागन बन जाता है। यहाँ से इसको और यहाँ से इसको ड्रा करेंगे। देखिए मेरे से बनाने में थोड़ी सी, क्योंकि मैंने पावर पॉइंट से बनाया, इसलिए अगर आप डिवाइडर्स बनाएंगे तो यह जो लाइन है ये यहाँ से होता हुआ जाएगा और ये सब इस पॉइंट से जाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस नकल जॉइंट के असेंबली में जगह की कमी होने की वजह से मैंने इसके डायमेंशनिंग नहीं दिया है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि जिस डिटेल ड्राइंग से जो इनका डायमेंशंस दिया इन डायमेंशंस को यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए।